हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 का ब्रेन टीजर्स। इसके पहले का क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुका है। ओके, सिक्स क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.5 × 10 क्या हो जाएगा। 3.5 × 10 देखिए डेसिमल के जब मल्टीप्लाई होगा 10 से तो क्या होगा, डेसिमल हमारा राइट साइड मूव होगा, 10 है तो यहां पे 1 प्लस मूव होगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 35। ओके, बी क्वेश्चन है 1.5 × 1000। ओके, देखिए 1.5 है, इसमें कितना 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस डेसिमल मूव होगा राइट साइड, कितना हो जाएगा 1500 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है 7.5 × 750। ओके, देखिए यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में कि आंसर हमारा 750 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट आएगा आगे डेसिमल के, 2 डिजिट मूव करेगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 750। ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चन है 95.65 × 95.65। देखिए किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर क्या है, आंसर सेम आता है। ओके, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 95.65। ओके, ई क्वेश्चन है 53.09 / 10। ओके, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा किस तरह मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा, 10 है तो 1 प्लस मूव करेगा 5.309। ओके, नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है 1.98 / 100। ओके, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे 1.98 को तो डेसिमल हमारा क्या जाएगा, 2 प्लस लेफ्ट मूव करेगा तो आंसर लिखेंगे देखिए 0.0198। ओके, नेक्स्ट जी क्वेश्चन है 356.4 / 1000। देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे डेसिमल हमारा 3 प्लस मूव करेगा लेफ्ट साइड, आंसर क्या लिखेंगे 0.3564। ओके, नेक्स्ट आई क्वेश्चन एच है 13.8 / 1.38। किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 13.8 को डिवाइड करेंगे किससे कि जिसका डेसिमल 1 प्लस मूव हुआ है, 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, 1 प्लस देखिए मूव हुआ है ना, 3 के बीच में आ गया है तो 10 से डिवाइड करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा हमारा 1.38। ओके, नेक्स्ट आई क्वेश्चन है -(3.6 = 0)। ओके, आई देखिए 0 को किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट जे है 19.85 × (-19.85)। देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19.85 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 19.85, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है डिवाइड 1010.101 / 1.01। किसको डिवाइड करना है 1.01 से, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले 1010.101 / 1.01। ओके, देखिए इसको डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 डिजिट है यहां पे, 1000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा ये, देखिए डेसिमल हट जाएगा जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1010101 डिवाइड बाई, देखिए यहां पे क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा 1010। ओके, देखिए अब डिवाइड करेंगे इसको 1010 से, आंसर हमारा देखिए इसको कर चुके हैं हम लोग डिवाइड 1000.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एट क्वेश्चन है 3.5 kg टॉफी आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रेन इफ ईच चाइल्ड हैज टू बी गिवेन 0.5 kg टॉफीज हाउ मेनी चिल्ड्रेन गेट द टॉफी। ओके, पूछा है इसमें टोटल कितने चिल्ड्रेन है, लिखेंगे टोटल वेट ऑफ टॉफी कितना है 3.5 kg और एक बच्चे को कितना मिला है 0.5 kg टॉफी मिला है तो पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, चाइल्ड गेट
0.5 kg, ओके डिवाइड कर देंगे अब 3.5 kg में, 0.5 kg से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीकेंगे, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 0.5, ओके ठीक है, डिवाइड करेंगे 3.5 को, सो फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.5, 7 टाइम जाएगा, आंसर आ गया हमारा 7, ओके लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू 7, ओके। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, मिस्टर अजय परचेज 3 kg टोमेटोज एट ₹15.50 पर किलोग्राम एंड 5.5 kg पोटैटोज एट ₹22 पर किलोग्राम, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड इन ऑल, ओके टोटल कितना अमाउंट खर्च हुआ है वही निकालना है, कहेंगे टोटल अमाउंट स्पेंड, देखिए 3 kg टोमेटो है 15.50 पर किलोग्राम के रेट से, 5.5 kg पोटैटो है 22 पर किलोग्राम के रेट से, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, ओके रुपीज 15.50 इंटू 3 क्या ये टोमेटो है प्लस 22 इंटू 5.5, ओके 5.5 किलोग्राम क्या है पोटैटो 22 के रेट से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 15.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 300 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 1 3 प्लस 1 4, आंसर आ गया हमारा 46.50 प्लस 22 इंटू 5.5 करेंगे क्या जाएगा आंसर हमारा 2 5 10, 1 कैरी हो जाएगा 2 5 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 5 10 प्लस 1 11, ओके अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 10 0 1 कैरी हो जाएगा 2 5 10 प्लस 1 11, ऐड करेंगे 0 1 2 1, आंसर आ जाएगा हमारा 121, ओके ऐड करेंगे, देखिए 46.50 प्लस 121 को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 167.50, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है 15S क्वेश्चन्ट, ओके देखिए तीनों दिया हुआ है ए बी सी, इसमें क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग है 15S क्वेश्चन्ट, इसका आंसर 15 किसमें आएगा फाइंड करेंगे हम, 0.075 इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.5, ओके देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ओके डेसिमल हमारा हट जाएगा 75 डिवाइड बाई 500, ओके अब डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 5 जीरो हो गया, 5 1 5 5 5 25, ओके डिवाइड करेंगे 15 बाई 100, 5 से कट जाएगा ये, 5 3 15, 5 2 10, आंसर आ गया हमारा 3 बाई 20, ओके देखिए इसमें 15 हमारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बी अब चेक करेंगे हम, 0.075 डिवाइड बाई 0.005, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.075 डिवाइड बाई 0.005, देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, आ जाएगा आंसर हमारा 75 बाई 5, ओके डिवाइड करेंगे 75 को 5 से, 5 1 5 5 5 25, आंसर आ गया हमारा 15, ओके देखिए 15 पूछा है क्वेश्चन किसमें आ रहा है, तो हमारा आंसर ये बी आ गया, बी में क्या आ रहा है 15 हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ओके नेक्स्ट सी चेक करेंगे, 0.75 डिवाइड बाई 5, इसको लिखेंगे 0.75 डिवाइड बाई 5, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 75 हो जाएगा ऊपर डिवाइड बाई 500,
डिवाइड करेंगे 75 बाई 500 को, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, ओके, 5 3 15, 5 2 10, देखिए इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 3/20, ओके। देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, या बी क्वेश्चन हमारा सही है, ओके। देखिए ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ओके।